अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु मेरी आवाज आ रही है जी सर जज़ाकअल्लाह खैरा तो चलिए प्यारे प्यारे इस्मी भाइयों और बहनों हम अपनी क्लास शुरू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बा इज़्ज़त कलाम से अल्लाह ताला सूरा अल अंकाबूत में फरमाता है आयत नंबर 69 में वल्लज़ीन जाहदू फीना लन्नहदियन्नहुम सुबुलना और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी बंदा हमारे रास्ते में कोशिश करता है हमारी तरफ आना चाहता है हम ज़रूर उसको, उसको अपना रास्ते दिखाएंगे ज़रूर हम उसकी रहनुमाई करेंगे ज़रूर हम उसको अपना राह दिखाएंगे उसको अपनी राह से बेखबर नहीं रहें रखेंगे तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश करें जितनी हमसे हो सके उतनी कोशिश करें इम हासिल अमल करते रहें ताकि अल्लाह इज़्ज़त हमें अपनी तरफ हिदायत करे हमें अपना रास्ता दिखाए और सरवरी तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें हासिल हो अल्लाह इज़्ज़त हम सब लोगों को दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन या याबल आलमीन बेजाह नबील रऊफ रहीम सल्ला तजमी तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं चलिए सईद साहब आप बता दें हमने क्या पढ़ा था वालेकुम सलाम वरह सर हमने लम्मा का दूसरा टाइप पढ़ा था सर तो लम्मा हीनिया या लम्मा जरफिया जी माशाल्लाह देखा था जी इसमें क्या पढ़ा था हमने जी फिर याद नहीं आएगी रिवाइज नहीं करेंगे तो याद कैसे होगा रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा रिवाइज करने का एहसान करें एक बार तो इनशा याद रहेगा चले हम लोग जवाज़ में मुजारिब पढ़ रहे थे हाइफ्स अब बता दे कौन-कौन है ज़वाज़ में मुजारिब अस्सलाम वालेकुम सर وعلیकुम सलाम व रहमतुल्ला जी पांच है जाज़ मुजारिब कौन-कौन लम हम लम लम्मा लान अमर ला ला नहीं इन शर्त दिया लामे अमर

अ पे दाखिल होता है लेकिन ये इसका मीनिंग ये स्ट्रेसफुल नेगेशन करता है लेकिन मानना ये माजी का देता है मतलब माजी पर दाखिल मुजारी पर होता है लेकिन मीनिंग ये माजी में देता है ठीक माशाल्लाह और लम्मा लम्मा जो होता है इसका मतलब होता है तब इसका मतलब होता है अभी मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है ना का मतलब होता है अभी तक अभी आ, तक नहीं अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने ठीक तो अब हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे आज इनकी ठीक हम अभी इन शर्तिया की बात कर लेंगे इन शर्तिया देखिए मैं लिख रहा हूं इन शर्तिया हमने इससे पहले भी एक इन पढ़ा मासूम कहाँ पढ़ा था मासूम मेराज मासूम हमने इससे पहले भी एक इन पढ़ा ना चले कोई नहीं सर साजिया आप बता दे साजिया वालेकुम सर वालकुम सलाम और जी जी सर मैं हर फिल्म शबाब इलफ़ैल की जो मुख़फ़फ़ा फ़ॉर्म फार है शॉर्ट फ़ॉर्म उसमें पढ़ा था इन और भी कहीं पढ़ा था और में जा, अरे नहीं और निगेशन में पढ़ा था याद आया कुछ जी जी सर सर याद थोड़ी रखना है बस आप बोले हम सुनते जाएंगे याद तो आपने रखा है हम क्यों रखेंगे हम है ना मैंने याद रख लिया तो अब आप लोगों को क्या रखने की क्या जरूरत है याद रखने की चले खैर इन शर्तें की बात कर लेंगे शर्तिया शर्तिया मतलब जिसमें शर्त हो तो ये इन ऐसा इन है जिसमें कोई कंडीशन हो ये कंडीशनल इन है तो नाम से पता चलता है कि ये क्या काम करेगा ये कोई कंडीशन रखने के लिए यूज होता होगा है ना कोई शर्त रखने के लिए यूज होता होगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे अगर आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो ये याद रहेगा ये ना अगर तो अगर क्या हो गया शर्त और जो तो है ना तो के बाद देखिए मैं लिखता हूं अगर आप रिवाइज करेंगे अब मैं कलर चेंज करके लिखता हूं तो ये सब तो ये ऐसे लिखता हूं तो आप अरबी जबान पर अबूर हासिल कर लेंगे देखिए यहां पे दो पार्ट्स हैं अगर आप रिवाइज करेंगे ये कंडीशन है और उस कंडीशन अगर वो फुलफिल होती है तो रिजल्ट क्या निकलेगा वो ये है तो आप अरबी जबान पर अबूल हा, अबूर हासिल कर लेंगे तो आप अरबी जबान के मास्टर बन जाएंगे मास्टर बनने के लिए क्या कंडीशन है कि आप रिवाइज कर लें ये चीज अब आप रिवाइज करेंगे क्या इसमें कोई शर्त है नहीं है जब मैं अगर वो यूज कर लेता हूं ना तब तो ये शर्त है तो ये अगर क्या हो गया ये हरफ शर्त है ये अगर क्या है जी ये हरफ शर्त है ये अगर हरफे शर्त है ये अगर कंडीशन रखने के लिए यूज होता है तो जब ये अगर एक सेंटेंस में होगा नॉट ओनली अगर अभी मैंने बोला जब जब भी क्या है कंडीशनल है जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वो वहां मिलेगा है ना जब जब तुम खाओगे तो बड़े हो जाओगे ऐसे ये सब कुछ हरूफ शर्त हैं, जो शर्त रखने के लिए जो कंडीशन रखने के लिए यूज किए जाते हैं तो ऐसा जुमला जिसमें शर्त हो ऐसा जुमला जिसमें शर्त हो उसको जुमला शर्तिया बोला जाता है जुमला शर्तिया ऐसा जुमला जिसमें कोई कंडीशन रखी गई हो ऐसे जुमले को जुमला शर्तिया बोला जाता है जुमला शर्ती के दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट जो कंडीशनल पार्ट होगा इसमें कंडीशन होगी जो यहां पर है ये वाला पार्ट पहला पार्ट कौन सा होगा जो कंडीशनल पार्ट होगा मैं कंडीशन वाले पार्ट को इस कलर से हाईलाइट करता हूं ये दिखे ये कंडीशनल पार्ट हो गया जिसमें कंडीशन रखी गई है और जो इस जुमले का सेकंड पार्ट है ये वाला इसको हम जजा कहते इसको शर्त कहेंगे इस पार्ट को शर्त कहेंगे इसमें कंडीशन है और इसको जजा कहेंगे जजा मतलब रिजल्ट इसको जजा कहेंगे शर्त का जजा ये पार्ट है जुमला शर्त के दो पार्ट्स होते हैं एक शर्त होता है एक शर्त का जजा होता है जजा या जवाब शर्त भी इसको कह सकते हैं जजा या फिर जवाब शर्त शर्त का क्या जवाब होगा वो जवाब शर्त भी इसको बोला जाता है ठीक है जी तो ऐसे अरबी जबान में ना एक वर्ड है इन, जो शर्त के लिए कंडीशन रखने के लिए यूज किया जाता है इस इन की मीनिंग होती है सेमी अगर ही इफ इनकी मीनिंग होती है एफ। अब देखिए, अगर अपना जुमला शर्तिया अगर अपना जुमला शर्तिया कुछ ऐसा होगा कि इन यूज किया गया होगा और इनके बाद फैले मुजारे आ जाए तो उस मुजारे पे जजम आएगा उस मुजारे पे जजम आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं देखिए इन तशरीब अशरब देखे अगर तू पिएगा मैं भी पीऊंगा तो मैं पीऊंगा है ना अगर तू पिएगा मैं पीऊंगा नहीं अगर तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगा अब मुझे ये नहीं पूछना बी कहाँ से लाया आपने तो हम उर्दू में ऐसी तर्जमा करेंगे कॉमन सेंस है यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं इस इनकी वजह से शर्द पर भी जज्म आएगा और जवाब शरद पे भी जज्म आएगा अगर जवाब शरद बी मुजाहरे हुआ तो अगर दोनों मुजाहे हुए तो दोनों पे जजम आएगा मदीना अगर दोनों मुजारे हुए तो दोनों पे जजम आएगा और माजी अगर हुआ तो माजी पे जजम देने की कोई जरूरत नहीं है वहां जजम नहीं आएगा क्योंकि माजी मबनी होता है ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जी सर हाँ जहां अनम्यूट कर सकते हैं ना प्लीज वहां सब लोग अनम्यूट करके रखे तो कुछ चैट बुक्स में अच्छा रिपीट करता हूँ चले आप मुझे रिपीट करवाएंगे जब मैं कुछ पूछूंगा तो वो नहीं बोलेंगे मैंने बोला मैंने बोला जो इन है ना इन इन जो है इन यूज होता है कंडीशन रखने के लिए कंडीशन रखने के लिए ठीक है जी तो जिस जुमला में कंडीशन रखी गई हो उस जुमला को हम जुमला शर्तिया कहेंगे ये पूरा जुमला जुमला शर्तिया होगा अब मैंने क्या कहा जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स होंगे पहला पार्ट कौन सा होगा शर्त वाला पार्ट जिसमें शर्त रखा गया हो उसको हम शरत वाला पार्ट बोलेंगे ठीक है एग्जाम्पल इतना इन तशरीब इन तशरीब अगर तू पिएगा अगर तू पिएगा इन तशरीब अगर तू पिएगा इन अगर तशरीब एक्चुअली था तशरीब एक्चुअली था तशरीब जब सामने इन लगा तो इन की वजह से इस तशरीब पे जज्म आया क्या बना इन तशरब अगर पिएगा अब उसका जवाब क्या है अब कंडीशन अशरिब मैं भी पीऊंगा ठीक है ना अगर तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगा मैंने क्या कहा इस इनकी वजह से अगर इस जुमला शर्तिया में शरत भी अगर शरत अगर मुजारे हो तो मुजारे पे क्या आएगा जजम आएगा अच्छा अगर शरत भी मुजाहरे अक्सर तो ऐसा ही होता है जब शरत मुजारे होगा तो ऑब्वियसली उसका जवाब भी मुजाहे ही होगा अगर तू करेगा तो वो करेगा अगर तू ये जाए ये करेगा तो ऐसा होगा तो वहां जाएगा मैं यहाँ जाऊंगा कॉमन सेंस है अगर शर्त मुजारे होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जवाब शर्त है ये भी मुजाहे ही होगा तो मैंने क्या कहा अगर दोनों शर्त और जवाब शर्त दोनों मुजारे हुए तो दोनों पे जज्म आएगा वरना जो पार्ट मुजारे होगा उसी पार्ट पे जज्म आएगा इनकी वजह से ठीक है ना पे कोई यज्ञ देने की कोई जरूरत नहीं है ये समझ आ गया फिर से रिपीट करना है मैं फिर और एग्जांपल्स दूंगा इनशाला क्लियर हो जाएगा देखिए दूसरी एग्जाम्पल अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे चले ऐसे इन यजलिस जलिस तजल सुहेल अहमद करे तर्जुमा सहेल अहमद करे तर्जुमा क्या होगा इसका तर्जुमा सर, वो बैठ गए तो मैं बैठूंगा मैं कहा से आया सर ये तजलिस है सर हाँ ऊपर तो होगा ना ऐसे जब ऊपर होगा ना डॉट इसको ता बोलते हैं ठीक है ना अगर नीचे होगा ना ऐसे तो इसको अगर वो सर वो तो तू तू हाँ, अगर वो बैठ गए तो तू तू बैठेगा अगर वो तो तू बैठेगा बैठेगा है ना अगर वो तो तू भी बैठेगा तो ये क्या हो गया इन अजलिस क्या हो गया शर्त हो गया अजलिस क्या हो गया जवाब शर्त हो गया तो दोनों मुजाहरे हैं दोनों पे इनकी वजह से जजम आया ये समझ आ गया मदीना ये समझ आ गया जी सर चले माशाल्लाह। चले तर्जुमा करें अगर तुम अगर तुम मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा अगर तुम मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा

इस पे भी आएगा ना जज्म इनकी वजह से दोनों पे जज्म आया इन तदरीबनी का अगर तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगा ठीक है ना तो इसमें इन तदरीबनी क्या हो गया शर्त है और अदरिब का ये जवाब है शर्त इतना क्लियर है इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है चलिए हाथ सब आप बता दें अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा अच्छा यहां पे बता दो अल्लाह की मदद करोगे मतलब अल्लाह ताला मदद का मोहताज नहीं है अल्लाह को किसी की मदद नहीं चाहिए सर फिर आपने ऐसा क्यों लिखा जब कहते हैं ना अल्लाह की मदद अगर करोगे ऐसा कुरान में यूज हुआ है इसका मतलब होता है अल्लाह का दीन फैलाओगे अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह के दीन की मदद करना अल्लाह की मदद करना होती है अच्छा हाफि साहब बता दें तासुर तासुर अल्लाही अल्लाह ही ठीक तो वो तुम्हारी या सुर हम्म यह का का एक बात बता बताइए इस अल्लाह पे जर क्यों आया मुजाफिल मुजाफिले, मुजाफिले कहाँ है अल्लाह की मदद अगर अल्लाह अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अगर अल्लाह को मदद करोगे और तुम ऐसे लिखते है ना अल्लाह तो यहाँ मफूल बनेगा मदद अल्लाह की की जाएगी जी सर हाँ इन अल्लाह हा। हा। ठीक है जी अल्लाह नहीं अल्लाह अच्छा यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे है ना यहां हम तनस भी लिख सकते हैं यूं भी लिख सकते हैं रीज़न क्या होगा उसका ये हमजा वसलिया है अब इसको मिलाने के लिए हम इस राह पे जहाँ पे सुकून है जो साकिन है रामा दे सकते हैं तो एक्चुअली अगर जमा के लिए आयत लिख लीजिए जुमला लिख लिया जाए तो इन तंसुर यंसुरकुम हाफिज साहब ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कहीं जी सर कहा कुरान में कहा फिर क्यों ऐसा हो रहा है यहां सुर को तंसुर यहां पे वाव साकिन है इन तंसुर अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा ये क्या हो गया ये हो गया इन शर्तिया इस इनकी वजह से क्या हो रहा है मुजहरे पे जज़म आ रहा है मुजहरे पे जज़म आ रहा है तो मैंने क्या बोला अगर शर्त भी मुजाहरे हुआ जवाब शर्त भी मुजहरे हुआ तो दोनों पे जजम आएगा वरना जो मुजाहरा होगा उस पर आएगा ठीक है जी चले अगर तुम मेहनत करोगे इफला बोले मेहनत करोगी ठीक तो कामयाब हो जाओगी इफलाम सलाम हाँ बोले सर मेहनत को क्या बोलेंगे मेहनत का क्या बोलते हैं मैंने तो बोला है याद नहीं आ रहा इस पे ये पहला सीखा यजता है दो जी इन

जो होता पहला सी का यनजाहू या यफलाहू जो आपको इजी लगे वो यूज कीजिए जी ही ही तफ्ला ही। तफ्ला ही, बहुत अच्छे ठीक है दोनों पे जज्म आया इनकी वजह से अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा ये खुद समझ ले मैंने पीछे है कैसे आएगा इंतजहदी तफलही फिर अगर और कुछ समझना आए तो इफला से कॉन्टेक्ट करना है, इफला समझ आएगी है ना इफला चले अच्छा और भी कुछ ये है कुछ हरूफ हैं जो शर्त के लिए यूज होते हैं वो भी ऐसे काम करेंगे मन मन की मीनिंग हमने पढ़ा था कौन है ना कौन लेकिन जब एक कंडीशन के लिए यूज होगा तो क्या मीनिंग आएगी जो जैसे हु मीन कौन इंग्लिश में ना क्या कहेंगे ना फॉर uh, एग्जाम्पल uh, अगर आप हु कंडीशन के लिए यूज करेंगे तो जो मीनिंग आएगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे डिड यू सी द पर्सन डिड यू सी द पर्सन हू केम हेयर हु केम हेयर क्या तुमने उस बंदे को देखा जो यहां आया तो यहां आया जो यहां आया तो हु, हु मतलब जो जब कंडीशन के लिए यूज होगा तो मीनिंग आएगी जो सेम ऐसी माँ होता है क्या जब कंडीशन के लिए यूज होगा तो आएगा मीन जो ठीक है ना अच्छा यहाँ पे मन जवील अखूल के लिए यूज होता है माँ गैर जविल अकूल के लिए यूज होता है अक्सर तौर पर लेकिन जविल अकूल के लिए भी यूज कर सकते हैं माँ कोई मसला नहीं है बट अक्सर तौर पर मन ही यूज करते हैं जविल अकुल के लिए और अक्सर तौर पर माँ गैर जविल अकुल के लिए यूज करते हैं लेकिन मन कभी गैर जविल अकुल के लिए यूज नहीं होगा मन हमेशा जविल अकुल के लिए यूज होगा और माँ दोनों के लिए यूज कर लेते हैं

सेट सब अन्ना मतलब हाउ अन्ना मतलब हाउ होता है सर जब इसको कैफा के यूज करते हैं ये कैफा के लिए यूज होता है क्या सर उसके बदले भी यूज कर सकते हैं ना अन्ना को पक्का था ना हमने एक जगह अन्ना ली वाला था। क्या होता है अच्छा चले तो अगर फिर ऐसा होगा तो इसकी मीनिंग आएगी फिर जैसा है ना ऐसे ही अगर मता होगा मता मतलब कब तो मता की मीनिंग आएगी जब जब ये कंडीशन के लिए यूज होंगे आई होप आप लोग समझ रहे हैं ना प्लीज एक बार बोले समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं ऐसे चला रहा हूं सर समझ रहे समझ रहे हैं हाँ समझ तो जाते आप लोग बस याद नहीं रख लेते ऐसी आयु आयू क्या होता है कौन तो यहां आएगा जो है ना एक्चुअली आयु का मतलब आएगा जो भी आयु का मतलब आएगा जो भी आयु और मन में ये फर्क है मन मतलब कौन और आयु मतलब मतलब कौन सा एक्चुअली आयु मतलब कौन सा तो आयु की मीनिंग क्या आएगी हाँ जब एक कंडीशन के लिए यूज होगा जो भी ऐसे ही क्या यूज कर सकते हो और मह महमा भी यूज कर सकते हो वैसे महमा मतलब जो कुछ वट एवर जो कुछ है ना जो कुछ तो ये सब शर्त के लिए यूज़ होते हैं इनके साथ इन भी होता है इन मतलब अगर इन तुम तालमून अगर तुम जानते है ना ऐसे कुरान में तो इन मन माना अन्ना मत्ता अयो महमा और भी बहुत सारे हरूफ हैं जो शर्त के लिए यूज़ होते हैं ये अक्सर तौर पर यूज होते हैं तो इनकी मीनिंग जब एक कंडीशन में होंगे तो ऐसी मीनिंग इनकी आएगी ठीक है ना ऐसे एक हदीस है यरहम सगीराना वलम युअकिर कबीरना फलई सन्ना जो हमारे छोटों पे शफकत नहीं करता और हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता फलई स तो वो हम में से नहीं है वो तो मुसलमान नहीं है ठीक है ना तो छोटों पे शफकत करना और बड़ों की इज्जत करना बड़ों का इकराम करना ये मुसलमान की सिफत है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को अपने साथ गिन लिया जो बंदा छोटे छोटों की अपने छोटों पर शफकत उनसे मोहब्बत करता है और अपने बड़ों की इज्जत करता है और जो छोटों पे शफकत नहीं बड़ों की इज्जत नहीं करता तो रसूल सल्ला तो वह में से नहीं है तो अगर किसी में यह खामी है ये गलती है इस गलती को सुधारें यहां भी मल्म सगी रना जो हमारे छोटे की इज्जत ना करे सॉरी जो हमारे छोटे पे रहम ना करे शफ़क़त ना करे वलम युकिर कभी रना और हमारे आ, बड़े की इज्जत ना करे उसका इकराम ना करे फल सम बस वो हम में से नहीं है तो वह हमें से नहीं है ठीक है जी तो जो जवाब शर्त हो सकता है ना जवाब शर्त जुमला इसमें भी हो सकता है जैसे यहाँ पे फल समिन जवाब श... बहरफ से मैंने तो क्या कहते हैं जुमला फेलिया ही है जुमला इसमें भी हो सकता है जवाब शर्त और जुमला फेलिया भी हो सकता है ऐसे एक मैंने पर, कल बोला था एक इजा भी होता है जैसे हमने कल कहा किया था ना इजा इजा मतलब जब ये भी कह जाओ ये भी तो है शर्त के लिए जब ये भी यूज़ होता है जब जब वो यहाँ आए तो, तो वहां जाना जब हालांकि है इजा इजाज़रफ पर तो शर्त के लिए भी यूज़ होता है इजा जब अल्लाह की मदद आए है ना जब अल्लाह की मदद आए अब उसका वलफत और कामयाबी अब उसका जवाब क्या है तो तुम तस्वीर करो अपने रब के हम से ये अब उसके जवाब शरत हो गया अब उसके जवाब क्या है फेले अमर वो आगे, आगे जाएंगे फेले अमर क्या है क्या होता है मैं ये समझा रहा हूं कि शर्त क्या होता है और जवाब शरत क्या होता है तो उसका रिजल्ट फिर निकलेगा उस शरत जब हम कंडीशन रखेंगे उस कंडीशन जब वो कंडीशन फुलफिल होगी ना तो फिर उसका एक रिजल्टेंट आएगा उसको हम जवाब कहते हैं या उसके जजा कहते हैं ये शर्त हो गया कंडीशन और कंडीशन के रिजल्टेंट ये वो जजा हो गया या फिर जवाब शर्त हो गया तो ये कहा मैंने कि अगर हाँ, अपना शर्त मुजाह होगा तो उसपे उस जजम आएगा इन हारत की वजह से जो भी हार फे यूज कर लेंगे इन करे मन करे माँ करे आई ना करे इन सबकी वजह से उसपे जजम आएगा ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा क्या तर्जमा होगा इसका जी साजिया क्या होगा तर्जमा तर्जुमा साजिया सर माँ तकू मा माँ अच्छा माँ इससे पहले अपना ठीक किया था ऐसा उसकी कैसी आएगी हालत मातकोली ड्रॉप होगा ना मातकोली वो मैं करूंगा, um, exactly. करूंगा. मातक जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा ठीक है ना इज इट क्लियर जो कुछ तू करेगा वही मैं करूंगा महमा तफअल अफअल ठीक है इज इट क्लियर इज इट क्लियर जी सर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है मैं कल इनशा इन शरत पेना आई एम नॉट ये क्लियर हुआ होगा आप लोग बोल भी देंगे बट आई एम नॉट सेटफाइड इनशाला मैं इस पर और एक क्लास दूंगा इनशाला तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे और कुरानिक वर्सेस मैं इनशाला फिर बता दूंगा कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स कुरान की देंगे इस पर अभी टाइम हो रहा है अभी बस एक दो मिनट्स बचे हैं फिलहाल अगर इसमें से आज की क्लास में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दे है किसी को कोई कंफ्यूजन हाँ जी चलिए नहीं ये शायद तो फिर परसों सईद साहब ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था टाइम नहीं मिला था उस टाइम इन्होंने बोला था कि ये हरूफ असली और हरफे जायदा क्या होते हैं असली कौन से होते हैं और हरूफ जायद कौन से होते देखिये सईद साहब कोई भी अपना वर्ड है चाहे हो या फेल हो फल अपने पास है नसोरा एक आदमी ने मदद की उस एक मर्द ने मदद की इसका वर्ड है नसरुन मदद करना नसरुन मदद करना ये यह वर्ड है इस वर्ड में जो हरूफ है वो हरूफ असली हो गए इसमें कौन कौन सा है नून है और रा है। अब देखिये फ़ैल माजी में भी यही है तीनों के तीनों असली है। और रा है। जब मैं ना लिखू तो नून सौद और रॉ असली है। और या क्या हो गया, ये आ गया। तो क्या पता चला ऐसा ये तरक निकलता है कि जो रूटवर्ड में जो हरूफ होंगे उनको हरूफ असली कहते हैं और उन रूटवर्ड में फिर किसी भी सी में या किसी भी हालत में अगर उससे कोई भी अगर ये कोई फेल हो तो हम कोई कोई और कोई जी लिखे या कैसा भी ऐसे कुछ भी निकाले अगर कोई चीज हमें ऐड करनी पड़ी तो जो हर्फ हमने ऐड कर लिया उसको हर्फ जायदा कहते हैं ऐसे अगर कोई इसम होगा उस इसम से कुछ और बना लिया आगे देख लेंगे अदल होता है इसमें या कुछ और होगा तो जो कोई हम ऐड कर लेंगे उसको हम जायदा कहते हैं और जो रूट वर्ड में होते हैं उनको हर्फ असलिया कहते हैं आई होप इट्स क्लियर अभी मीटिंग एंड होने वाली है क्लियर साहब ये सर सर ड्रॉप काम फिर करना है फिर वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ड्रॉप काम भी करना है उस पर बात कर लेंगे जिस दिन मैं कहूंगा ना मैंने सारा पढ़ा है उस दिन कहना आप आपने ये नहीं बोला ओके सर है ना चलिए अभी मीटिंग होने अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में पूछ लेना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह